कृपा उनके भक्तों पर प्रयाग कुंभ में नहीं बरसेगी, क्योंकि निर्मल बाबा के लिए प्रयाग कुंभ में लग गई है नो एंट्री। कुंभ मेले में निर्मल बाबा के समागम के लिए नहीं मिलेगी कोई जगह, क्योंकि अखाड़ा परिषद से जुड़े साधु संतों ने साफ कर दिया है कि निर्मल बाबा को प्रयाग कुंभ में घुसने नहीं दिया जाएगा। हरिद्वार में साधु संतों की एक बैठक में संतों ने तय कर लिया है कि निर्मल बाबा को प्रयाग कुंभ में जगह नहीं दी जाएगी। निर्मल बाबा के लिए कुंभ मेले में मुसीबतें बढ़ सकती हैं। अखाड़ा परिषद के साधु संतों ने निर्मल बाबा को कुंभ मेले में नहीं घुसने देने का फैसला किया है। संतों का कहना है कि निर्मल बाबा ना तो कोई बाबा है, बल्कि वे ढोंग कर लोगों को ठग रहे हैं। ऐसे ढोंगी बाबाओं के लिए कुंभ मेले में कोई जगह नहीं है। बाबा बना दिया, किसी व्यक्ति को बना देते हैं, बिना किसी आधार के बना देते हैं। निर्मल बाबा कोई भी कहने लगता है कि आप ठीक हो जाएंगे, आप मान लेते हैं। इससे बचें, समाज में जागरूकता लाएं, ये पत्रकारों का विशेष कार्य है। संतों ने निर्मल बाबा जैसे ढोंगियों को बढ़ावा देने के लिए मीडिया से भी नाराजगी जताई। संतों का कहना है कि मीडिया ने ही ऐसे ढोंगियों को बाबा बना दिया है, जबकि ऐसे लोगों का संत समाज से कोई लेना देना नहीं है। विशेष रूप से जो है, जो बाबा है ही नहीं, उनको बाबा कहना उनका बस बाबा का अपमान है। और विशेष करके सभी साधु और सभी अखाड़ों का सहमति है कि निर्मल बाबा को वहाँ पर जगह नहीं मिलेगी। साधु संतों ने बैठक में गंगा पर बन रहे बांधों पर भी गहरी चिंता जताई। संतों ने कहा कि सरकार विकास के नाम पर गंगा जैसी धार्मिक धरोहरों को नष्ट करने पर तुली हुई है। संतों ने कहा कि विकास के नाम पर विनाश ठीक नहीं है। बैठक में संतों ने तय किया कि गंगा की धारा अविरल बनी रहे और गंगा जल की पवित्रता भी बनी रहे। भारत साधु समाज का एक प्रतिनिधि मंडल भारत सरकार और राज्य सरकार से वार्ता करेगा और उनसे इस बात की गारंटी भी मांगेगा कि विकास के नाम पर गंगा जैसी पवित्र नदियों से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। हरिद्वार से चंचल तोमर की रिपोर्ट, लाइव उत्तराखंड।